आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक बड़े कंटेनर को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो कंटेनर में रखे 19 ऊंट बरामद किया गया। वहीं बरामद ऊंट के साथ 4 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभियुक्तों की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला के गोवर्धन थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी लुल्लू खान के बेटा जुनैद खान, मेरठ जिला के जानी निवासी इकबाल के बेटा शाहनवाज, हरियाणा मदीना कॉलोनी नंबर 1 के नवलपुर पुनहावा मेवात निवासी अब्दुल वहीद का बेटा शाहिल और नूह मेवात निचला मोहम्मदपुर फिरोजपुर झीरका निवासी इस्माइल खान का बेटा जुनैद खान शामिल हैं। आपको बताते चले कि नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिला कि एक बड़े कंटेनर में भारी मात्रा में ऊंट को रखकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरआर मोड़ के पास पुलिस ने वहां जांच लगा दी। वहीं वहां जांच के दौरान यूपी की तरफ से आ रहे एक कंटेनर को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें रखे 19 ऊंट बरामद किया गया। इस संदर्भ में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि परिवहन पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार के नेतृत्व में डीआईयू टीम द्वारा पशु तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ से एक कंटेनर रजिस्टर्ड नंबर RJ24GP0836 पर लदा 19 मवेशी ऊंट जिसका बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपए आकी जा रही है उसे बरामद किया गया है तथा 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ऊंट को राजस्थान से मुजफ्फरपुर ले जा रहा था। तस्करों पर गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 19 ऊंट मवेशी जो है उसको पुलिस ने बरामद किया है और 4 जो पशु तस्कर है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी पशु तस्कर जो है उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और इन ऊंटों की कुल कीमत करीब बाजार में 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये जो ऊंट है ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो है संकटग्रस्त इंडेंजर्ड कैटेगरी में घोषित किए गए हैं और ये सभी ऊंट राजस्थान से लाए जा रहे थे। इसमें से पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उनको माननीय न्यायालय में आश्वासित किया जा रहा है और इस पशु तस्कर के गिरोह में और भी जो लोग शामिल हैं उनके नाम भी सामने आए हैं जिसको हम लोग केस डायरी मिलाकर उन पे भी आगे की कार्रवाई साक्ष्य संकलन के पश्चात की जाएगी। गोपालगंज जिले के बरौली थाना पुलिस ने बरौली के एक मकान में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताते चले कि एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि साइबर अपराधियों की बड़ी कार्रवाई जारी है। भोली भाली जनता को ठग कर मेहनत की कमाई हड़पने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कुल 18 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से सैकड़ों मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि बरौली थाना पुलिस को साइबर अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक मकान में संचालित हो रहे साइबर अपराधी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से 11 इंडियन सिम, 2 इंटरनेशनल सिम, 5 एटीएम, 1 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 9 चार्जर, 2 टैब, 18 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 पासपोर्ट बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि 6 अपराधियों में 3 गोपालगंज के और 3 सिवान जिले के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से भोली भाली जनता को स्कैम कर धोखा घड़ी कर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती हैं। इनके पास से मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड, लैपटॉप के अलावा कई सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके और भी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके द्वारा साइबर अपराधियों पर एक बार फिर से बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें कुल 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 साइबर अपराधी गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और 3 साइबर अपराधी जो हैं सिवान जिले के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ पुलिस ने किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के सहारे ये भोली भाली जनता को स्कैम करते थे, उन्हें धोखे में लेकर अपने जाल में फंसा कर उनसे धोखाधड़ी कर उनके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते थे। इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद किए गए हैं और इनके पास से करीब 4 लैपटॉप, 18 मोबाइल सेट और एटीएम कार्ड्स और भारी संख्या में सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ किया गया है। इनके गिरोह में शामिल और भी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है
और इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। ये पूर्व से भी साइबर अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास होगा, इसको खंगाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस टीम को इसमें नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र। एक व्यापारी को गोली मारने का मामला मंगलवार की रात में सामने आया। इसके बाद पुलिस सक्रियता से जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मीरगंज के बड़का गांव बाजार में एक दुकानदार को उसके ही पड़ोसी के द्वारा गोली मार दी गई। जिन्हें गोली लगी है वो विवेक तिवारी, पिता स्वर्गीय बालेश्वर तिवारी, गणेश स्थान माझा की निवासी है, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घायल विवेक के पड़ोसी तुलसी तिवारी कुछ अज्ञात लोगों के साथ इन्हें गोली मार दिए है। इसमें घायल विवेक तिवारी के बयान पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विवेक तिवारी को स्थानीय अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, जहां का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोली विवेक तिवारी के पेट में लगी है। इस मामले में पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। घायल विवेक तिवारी का गोरखपुर में इलाज चल रहा है। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टडवा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में, संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class gates up to 10. आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने के चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। थावे डाइट के पास शौच के बहाने हथकड़ी सरका कर फरार आरोपी को पुलिस ने छापेमारी करते हुए मीरगंज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम ने बताया कि शराब कांड के प्राथमिकी आरोपित विदेशी टोला गांव के राजा कुमार गोड़ को शनिवार के दिन पुलिस न्यायालय में उपस्थापना करने ले गई थी, जहां न्यायालय के उपस्थापना करने के बाद न्यायालय के आदेशानुसार चनावे मंडल कारा में उपस्थापना के लिए वाहन से ले जा रही थी। पुलिस जैसे ही थावे डायट के पास पहुंची तो आरोपित शौच करने के बहाने हाथ में लगाए गए हथकड़ी को सरका कर भाग गया। पुलिस उसी दिन से गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर फरार आरोपित राजा कुमार गोंड के विरुद्ध छापेमारी करते हुए मीरगंज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। विदितों की पुलिस ने आरोपित राजा कुमार गोंड को शुक्रवार के दिन 16 बोतल शराब के साथ विदेशी टोला राहिल के पास से गिरफ्तार किया था। फरार को लेकर चौकीदार वीरेंद्र यादव के बयान पर प्राथमिकी कर पुलिस फरार आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान जमदार नीरज कुमार पांडे सहित पुलिस बल मौजूद थे। माझागढ़ थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में छापेमारी कर 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बुधवार को पुलिस ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के बथुआ गांव में छापेमारी वारंटी साहब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मारपीट के मामले में फरार आरोपित भैसई गांव के कृष्णा बीन एवं पंकज बीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों को पुलिस ने न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।
माझागढ़ थाना क्षेत्र के माझा बाजार के अंबेडकर चौक से अज्ञात चोरों ने बाइक की चोरी कर लिया। बताया जाता है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव निवासी व कपड़ा व्यवसायी राम पुकार सा माझा बाजार के अंबेडकर चौक पर अपनी बाइक को लॉक कर खड़ा किए थे। इसी बीच अज्ञात चोरों ने बाइक को लॉक तोड़कर बाइक की चोरी कर लिया। बताते चले कि माझा बाजार में पिछले एक साल में लगभग आधा दर्जन लोगों की बाइक की चोरी की घटना घट चुकी है। इस मामले को लेकर कपड़ा व्यवसायी रामपुर कालसा ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है। फार्मासिस्ट की समय से पहले हुई मौत से सनसनी फैल गई है। आपको बताते चले कि बरौली नगर थाना वार्ड नंबर 8 निवासी डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव व पीएचसी बरौली में कार्यरत एएनएम शीला श्रीवास्तव पुत्र फार्मासिस्ट डीटू श्रीवास्तव की संध्यास्पद मौत मंगलवार की शाम लखनऊ स्थित क्वार्टर पर हो गई। डीटू का शव पुलिस ने क्वार्टर के बाहर से बरामद कर की, ऐसा परिजनों का कहना है। लगभग 26 वर्ष से बिट्टू बी फार्मा करके लखनऊ में किसी प्राइवेट अस्पताल में बतौर फार्मासिस्ट कार्यरत थे। चार दिन पूर्व ही बरौली नगर स्थित अपने घर माता पिता के पास आए थे। डिट्टू का ही लखनऊ में ही सुमन नाम के लड़की से प्रेम विवाह हुआ था और पति पत्नी वहीं रहते थे। बुधवार को फार्मासिस्ट डिट्टू की पोस्टमार्टम कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही फार्मासिस्ट डिट्टू की मौत का कारण का पता चल सकेगा। मृदुभाषी व मिलनसार प्रवृत्ति के डिट्टू श्रीवास्तव के समय से पहले हुई मौत से जहां परिजन हक्का बक्का हैं, वहीं बरौली नगर में सनसनी फैल गई है। बरौली थाने के कल्याणपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर चाकू से जानलेवा हमला कर अधेड़ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले को लेकर थाने में बड़े भाई भतीजा भतीजी और भाभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। बताया जाता है कि गांव के हृदयानंद कुशवाहा 8 जून को अपने चापाकल पर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनके बड़े भाई विजय भगत, उनका पुत्र अरविंद भगत, भतीजी और भाभी ने जानलेवा हमला कर दिया। इसी क्रम में अरविंद भगत ने चाकू से 3-4 बार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।